हेलो एवरीवन, आज मैं टीचर्स डे के लिए कार्ड बनाने जा रही हूँ। आई होप ये आप लोगों को पसंद आए। इसके लिए हमें आवश्यकता है, सबसे पहले ये पर्ल स्टिकर है जो कि हर एक स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगी, और ये क्राफ्ट पेपर्स हैं, ये ब्लैक स्केच पेन, फेविकॉल पेंसिल और ये सीजर। अब हम कार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्राफ्ट पेपर लेंगे। क्राफ्ट पेपर के ऊपर पेंसिल से लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। जिस शेप का हमें काटना है वो शेप डालेंगे ताकि वो इजीली हम सीजर की सहायता से फिर काट सकें। अब हम सीजर की सहायता से लाइनिंग के ऊपर कट करते जाएंगे। लगभग 1 इंच छोड़कर जगह, उसके बाद हम उसके नीचे ठीक उसी शेप में ड्रॉ करेंगे जो शेप में हमने कट करा है बाहर से। अब हम कटर की सहायता से जहाँ जहाँ हमने पेंसिल से ड्रॉ करा था उसके ऊपर कटर चलाते हुए उस एरिया को कट करेंगे। अब हम अंदर के भाग को हल्के से दबाते हुए निकाल लेंगे। अब हम एक दूसरी येलो कलर की क्राफ्ट शीट लेंगे, उसके ऊपर हमने जो पहले से कट करके रखा हुआ है ब्लू कलर के क्राफ्ट शीट पर जो डिजाइन बनाई है उसी शेप में येलो कलर के पेपर को भी हम कट करेंगे। बट इसमें हमें अंदर का भाग कट नहीं करना, बस बाहर के भाग को कट करना है। ये हमारे दोनों क्राफ्ट पेपर सेम साइज में कटकर तैयार है। अब इसके ऊपर हम फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगा करके ब्लू शीट के ऊपर येलो शीट रखेंगे और दोनों को एक साथ चिपकाएंगे। अब हल्के हाथ से हम इसे दबाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम देखेंगे कि येलो क्राफ्ट पेपर जो है वो ज़्यादा बाहर दिख रहा है, तो उसे हम हल्का कट कर देंगे ताकि वो ना दिखे बाहर। ध्यान से सिर्फ येलो। अब हम क्राफ्ट पेपर से एक थोड़ी मोटी शीट लेंगे। ये हमने दो शीट ली हैं सेम साइज की। अब हम सेम जो हमने शेप बनाया था उसी शेप में इसको भी कट करना है। अब हम सेलो टेप की सहायता से दोनों पेपर को आपस में चिपकाएंगे, जोड़ेंगे। ये हमने दोनों पेपर को बराबर कर लिया और इसके ऊपर सेलो टेप डाल दिया। ऊपर और नीचे दो जगह ऊपर डालेंगे। अब इसके ऊपर हम क्राफ्ट पेपर को चिपकाएंगे।
अब हम फ्लावर बनाएंगे। हमने पिंक कलर का एक क्राफ्ट पेपर लिया है, इसे एक फोल्ड करेंगे जितना चौड़ा हमें चाहिए। अब हम इसे पेपर कटर की सहायता से काट लेंगे। इसके बाद हम इसे मोड़ेंगे, फोल्ड करना है ताकि इससे हमें चार फूल बनाने हैं, तो चार भागों में बांटना है इसे। अब हम फ्लावर बनाने के लिए इसे फोल्ड करेंगे। हमने चारों अलग अलग पेपर को साथ में ले लिया है और अब इसे हम फोल्ड करते हुए फ्लावर बनाएंगे। यहाँ कॉर्नर से हम इसे मोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर फूल की पंखुड़ी ड्रॉ करेंगे और उसी शेप में कट भी करना है हमें। जैसे हमने फूल की पंखुड़ी ड्रॉ करी थी उसी शेप में हम सीजर की सहायता से पेपर को कट कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब इसे हम थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए सीजर से अंदर की ओर कट करेंगे, घुमा घुमा कर सीजर को। इससे हमारा फूल और भी अच्छे शेप में आएगा। ये हमारा फूल बन गया है। अब हम इसे कार्ड के कॉर्नर पे पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे सीजर की सहायता से हल्का सा खींचते हुए पीछे की तरफ मोड़ेंगे, झुकाएंगे, ताकि हमारा फूल थोड़ा उभरा हुआ लगे। ध्यान रखें कहीं मतलब पेपर इतना भी ना खींचे कि फट जाए वो। ये हमने पर्ल स्टिकर ये हम फ्लावर के बीच में पर्ल स्टिकर चिपकाएंगे जिससे और सुंदर दिखेगा। सेम प्रोसेस सारे फ्लावर्स में करनी है हमें। चारों कॉर्नर पर हमने फ्लावर्स डाल दिए। अब यहाँ पे आप जो भी कोटेशन लिखना चाहें वो लिखें। मैंने यहाँ पे लिखा है थैंक्स फॉर बीइंग माय टीचर। आप जिस भी ओकेजन पे ये कार्ड बना रहे हो उससे रिलेटेड कोटेशन डाल दें, जैसे हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ पे गोल्डन कलर के ग्लिटर पेन से मैंने फ्लावर में थोड़ी सी डिजाइनिंग की है, हल्की सी शेडिंग है, ये शेडिंग डाली हमने। ये मैंने स्टील के एक छोटे बाउल का ढक्कन लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो लें। अब कटर की सहायता से इसके चारों ओर घुमा घुमा कर मैंने एक राउंड सर्कल कट कर लिया है। हमें पांच सर्कल बनाने हैं। ये हमने पांच सर्कल बना लिए हैं। अब इन पर हम लिखेंगे कुछ। मैंने इस पर यू आर द बेस्ट टीचर लिखा है, आप चाहें तो कुछ और लिखें, आपकी मर्जी है।
अब हम इसे पेस्ट कर लेंगे। उल्टा यू, उल्टे यू के शेप में हम इसे पेस्ट करेंगे। अब हम पतले लंबे शेप में एक पेपर का टुकड़ा लेंगे, इसके दोनों साइड हम फेविकोल लगाएंगे। अब हम इसे हल्का सा मोड़ेंगे और उसके बाद इसे चिपका देंगे। दोनों पेपरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहना चाहिए क्योंकि हम इसमें पेन डालेंगे। अब हम कार्ड के ऊपर पर्स स्टिकर से डेकोरेट कर देंगे। घुमाते हुए कार्ड पर जो डिजाइन बनाए उसी के शेप में हमें पर्स स्टिकर पेस्ट करनी है। ये हमारा कार्ड बनकर तैयार है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।